लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहें, अड़े रहें। या तो उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि भाषा बॉन्डिंग नहीं है। अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो सामने वाले को भी तो हिंदी नहीं आती है। हम अपनी भाषा पे गर्व कर सकते हैं। केबीसी में हॉट सीट पर अमिताभ जी का सामान्य बेटा तो था, डर को लगी होगी कि जो हमारा पहनावा है उस पर हमें गर्व होना चाहिए। क्योंकि जब भी मैं इंडिया से बाहर होती हूँ तो लोग बोलते हैं कि आप इंडिया से हैं, मुझे मेरा परिचय नहीं देना पड़ता है। वो लोग बोलते हैं कि आप इंडिया से हैं। जब मैं राजस्थान से बाहर होती हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि आप राजस्थान से हैं। क्योंकि जब मैं वहाँ पर हरोड़ यूनिवर्सिटी पहुँची तो जो एक दिन का प्रोग्राम था वो 3 दिन का हो गया। अच्छा, एक समय ऐडो हो के मन लाग्यो कि जिंदगी में जीणो ही नहीं है, ऐडा नेगेटिव विचार आने लग गया। 10 महिलाओं से शुरुआत की थी, आज हमारे साथ में 35,000 से ज्यादा सिर्फ बाड़मेर की महिलाएं जुड़ी हुई है। ऑल ओवर राजस्थान की 47 लाख महिलाओं की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। राम राम सा नमस्कार, मैं राजेंद्र निवाड़ा और थे देख रहा छो राजू का सफरनामा। दोस्तों आज मैं था ने राजस्थान की एक बहुत बड़ी महिला शक्ति से मिला रही छू और बेहद तो थे जाड़ो छो आपको नाम से रूमा देवी और ए बाड़मेर में सी। मैं आज बाड़मेर में एवडा सा आंसू मिलवाट है आपको इंटरव्यू भी ले ला और बहुत कुछ आका बारा में जाना ला। रूमा देवी जी मतलब थे एक साधारण महिला सू असाधारण महिला बन गा, तो मतलब एक ही यात्रा किया शुरू हुई। और जको मारे हैंडीक्राफ्ट रो काम है ई वास्ते मैं पहला शुरुआत करी क्योंकि घर की स्थितियों ठीक नहीं थी आर्थिक रूप हूँ। तो एक समय ऐडो हो के मन लाग्यो कि जिंदगी में जीणो ही नहीं है, ऐडा नेगेटिव विचार आने लग गया। तब मैं होचो कि जिंदगी हार मानने अच्छो है कि यहाँ कहीं अपनी जिंदगी में कर लो, तो काम करो ला तो अपने घर भी चल जाओला और मन भी लग जाओला। तो वही होच पर 2008 में मैं सुविधा को हाथ में लियो और छोटे छोटे बैग बनाना शुरू किया। लेकिन बी टाइम इतो ईजी को नहीं, घर बाहर निकलने इज्जत को नहीं, और बींगे बावजूद जका बैग बनाना मैं स्टार्ट करिया बंग की है कि सिलाई जकी मशीन होनी और मशीन मेरे पास ही कोनी और मैं खरीदने वास्ते सक्षम थी। तो मैं एक बार फिर हिम्मत आर्गी में कि मैं नहीं कर पाऊँ। फिर मन लागियो कि जगी परेशानियों मन हुए जगी और भी बहनों ने होती होला, मैं भी नहीं बता पाती होला, तो मैं बहुत जान बात करूँ। तो मैं हमारी अड़ोस पड़ोस की बहनों बात करी और 10 महिलाओं ने मेला ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, 100-100 रुपये इकट्ठा करने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और बट उमर को हमारी शुरुआत हुई थी। तो मैं सुनया कि थे बहुत कम्फर्टेबल सो और कम्फर्टर भी थे पूरी दुनिया में घूम रहा सो, मतलब थे एक फैशन शो भी कर जिसू थे मतलब था कि इन काम ने और ज़्यादा गति मिली। तो भी फैशन शो का बारे में बताओ जो था वो पहलो फैशन शो सो जो था कि लाइफ ने बिल्कुल चेंज कर दियो। देखो सा कि फैशन शो करने रो उद्देश्य ओ हो कि पहले मैं होम फर्निशिंग रो आइटम बनाता, बेड कवर, कुशन कवर, कर्टन्स वगैरह। बाद में मन लाग्यो कि नहीं, मैं पहनने रा कपड़ा बनावला तो और लोग ज़्यादा खरीदेला, क्योंकि पहनने वास्ते तो हर रोज नए नए कपड़ा चाहिए और ज़्यादा खरीदेला तो हमारी बहनों ने ज़्यादा काम मिलेला ओ हो चो। लेकिन बे टाइम एक गाँव री महिला जो आर्टिजन के वे मन फैशन शो करने रो मौको मिलनो इतो आसान को नहीं हो, क्योंकि फैशन को शो करे जगह वह मोटे मोटे डिजाइनर हुए। लेकिन मन लागियो कि मन फैशन शो करना है, तो मैं जयपुर में राजस्थान हेरिटेज भी को है बट जान मैं रिक्वेस्ट करी कि मन फैशन शो करना है। तो वह भी मन यूँ कहो कि थे गाँव रहा आर्टिजन हो थे कि कर फैशन शो करो लाटे तो मोटे मोटे डिजाइनर लोग आवे और अवॉर्डी लोग आवे, आप की कर पाओला। तो बटे मैं जिद करी कि मन फैशन शो करना ही है, तो बट वो मौको मिलो। लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम आ ही कि मैं बहुत डिजाइनर जरा कलेक्शन की कर बनाऊला, कोई कलर थीम लेला, कोई कॉस्ट्यूम डिजाइन करूँगा, तो मैं देखियो कि और भी बड़े जो है उनसे जाके हेल्प मांगेंगे। तो वहां जाके बैठ जान मैं क्यों के माने फैशन शो करना है और इनमें आप लोगों माने आप मदद चाहिए। तो बने बने भी यो इज कहो के रूमा जी और आप रो लेवल नहीं है, आप जहां फील्ड में काम कर रहे हो वही आपके लिए बेटर है, आप ये जिद छोड़ दीजिए और आप जहां काम कर रहे हैं वही करिए। तो उस टाइम मतलब बड़ो दुख हुए, रोनो भी आयो कि भाई कोई मदद करने वाला नहीं है। लेकिन वो फैशन शो करनो मैं ठान लियो कि नहीं मैंने करनो है, जड़ मन समझ में आयो, मैं कलर थीम लिया, डिजाइन कॉस्ट्यूम डिजाइन किया, क्योंकि बी टाइम ये तो यूट्यूब को या सोशल मीडिया को जमानों को नहीं हो,
आजकल तो कहीं चाहो तो कहीं कर लो, लेकिन भी टाइम में जड़ो मन समझ में आयो मेरे कलेक्शन तैयार कियो और कलेक्शन लेन में रहो नो मने और लगे हो कि भाई लोगों ने पसंद आए कि नहीं आए, लेकिन मन विश्वास हो कि मन ने पसंद है दूजो ने है कि नहीं है, मैं मेहनत करिए तो मन है जरूर पसंद है, तो वही होशन में बट गया। और जब फैशन शो के रैम पे मारा प्रोडक्ट आया तो बटे जकी ऑडियंस ही और डिजाइनर आ सब खड़ा उन तालियां बजाई और 5 डिजाइनर बाड़मेर पहुंचे अगले शो के लिए अपना कलेक्शन बनाने के लिए। जो डिजाइनर थे बीबी रसेल, हेमंत त्रिवेदी, अब्राहमन ठाकुर, अलमेंडा, वैसे डिजाइनर यहाँ पहुंचे और अगले शो के लिए कलेक्शन बाड़मेर से बनवाया। उसके बाद मैं ट्राइफेड की गुडविल एम्बेसडर रही और ट्राइबल आर्टिजनों की कला को प्रमोट करने के लिए हमने अलग अलग स्टेट में फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाए और उसके बाद में डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने जीता था। तो थे जी हाँ, भी फैशन शो के बाद में थाने बाहर की विदेशा की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी भी थाने बुलाई, तो मतलब बिंडे थे काई काई कर रहा है। देखो सर, मैं काम री शुरुआत करी तो मने और नहीं लगते कि जको हेंगो छोटो मैनेजर नालो सुई धागे रो काम है, इन वास्ते कोई अवार्ड भी मिले। हेंगो पहले मने कलेक्टर साहब के हाथों मिलो तो मने इतनी खुशी हुई कि मने एक छोटे से काम करने वास्ते कलेक्टर साहब के हाथों सम्मान मिलो, लेकिन भी सम्मान के हाथे हाथे एक नई जिम्मेदारी मिली। वही हो चुन मैं और अच्छो काम करियो, फिर बाद में महामहिम राज्यपाल जी के हाथों से जब सम्मानित हुए तो और गर्व भी हुआ और नई जिम्मेदारी के साथ में हमने और अच्छा काम करने की कोशिश की। और जब राष्ट्रपति जी के हाथों से अवार्ड मिला तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि जब दिल्ली जाता और दूर राष्ट्रपति भवन देखता और राष्ट्रपति भवन में जान राष्ट्रपति जी के हाथों से सम्मान लेंगे ये कभी सोचा नहीं था, लेकिन वो सम्मान मेरी सभी बहनों का है, मेरी अकेली का नहीं है। और उस सम्मान के साथ साथ में और नई जिम्मेदारियाँ मिली कि हमें और अच्छा काम करना है, हमें और बहनों को जोड़ना है। जो हमने 2008 में 10 महिलाओं से शुरुआत की थी, आज हमारे साथ में 35,000 से ज़्यादा सिर्फ बाड़मेर की महिलाएँ जुड़ी हुई है। ऑल ओवर राजस्थान 47,00,000 महिलाओं की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उन बहनों को अच्छे प्लेटफॉर्म मिले, अच्छे मंच मिले, वो अच्छे से काम कर पाए, अपने काम को आगे बढ़ा सके। और साथ ही जिस तरीके से आपने पूछा कि आप यूनिवर्सिटी में कैसे गए, तो मेरी स्कूल तो 8वीं में छूट गई थी, मैं ना आगे पढ़ाई कर पाई और ना मैंने स्कूल के बारे में सोचा ना कॉलेज के बारे में। जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्विटेशन आया तो मैंने कहा मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, मैंने एक महीना तक वापस रिप्लाई भी नहीं दिया था, क्योंकि जो हार्वर्ड में जाएगा वो अपने खुद के खर्चे पे जाएगा, तो हार्वर्ड में जाने वाले तो सारे सक्षम होंगे, लेकिन मेरे पास में इतने पैसे नहीं थे कि मैं वहाँ जाके खर्च करूँ, क्योंकि वहाँ अगर मैं 10,00,000 खर्च करती हूँ तो यहाँ पीछे काम कैसे करूँगी, तो ये सोच के मैंने मना कर दिया। तो उस टाइम उनका वापस मेल आया कि ये मंच आपके लिए है, ये हमारी कुछ बॉन्डिंग है कि हम आपकी हेल्प इसमें नहीं कर सकते, लेकिन ये जो आपके लिए हमने प्लेटफॉर्म चुना है कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को इंडिया के बारे में, दिल्ली बॉम्बे ऐसी जगह के बारे में मालूम है, लेकिन रूरल एरिया में क्या हो रहा है वो पता नहीं है, तो इसलिए हम आपको इन्वाइट कर रहे हैं। और उसी टाइम मुझे बॉम्बे में जानकी देवी बजाज पुरस्कार मिल रहा था, और जब बजाज ग्रुप को पता चला कि ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और ये छोड़ रही है, हमारे बच्चों को वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता और आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म छोड़ रही, हम आपके टिकट बनवाते हैं आप जाइए, तो वहाँ से हमारी टिकट बनी। ऐसे करके जब मैं वहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुँची तो जो एक दिन का प्रोग्राम था वो 3 दिन का हो गया। अच्छा। एक दिन वर्कशॉप हुआ, वहाँ के बच्चों ने सुई पकड़ी हाथ में, उन्होंने काम किया, दूसरे दिन मेरा स्पीच था और तीसरे दिन वहाँ पे भारतीय दूतावास में कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग आए, वहाँ उन्होंने भी यहाँ की कला के बारे में सोचा समझा, तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ से स्टूडेंट भेजेंगे और ये वहाँ पे रिसर्च करेंगे। तो इस तरीके से ये जब मैं वहाँ गई तो मालूम चला कि वहाँ मैं नहीं जाती तो ये बहुत बड़ा मौका था, मैं गवा देती। और जब मैं वापस आई तो मुझे ज्योतिराव महात्मा यूनिवर्सिटी ने PhD की मान्य उपाधि के रूप में भेंट की है। अच्छा, थे भिंडे गया तो आप जी आम लोगों ने भी डर रहे, स्पेशली अपना जो लेडीज थी मैं तो रीची के साहब माने तो फटोड़ी को नए मन तो मारवाड़ी भाषा हिंदी कौन बोल पावे, तो बिंडे जार अंग्रेजी किया बोलला या दूसरी भाषा, तो थे बोलिया किया कौन सी भाषा में बोलिया। हमेशा घर बैठी महिलाओं हैं बोने डर रहे कि मैं घर बैठी हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं हमारे ट्रेडिशनल पहनावे में हूँ तो मैं काम नहीं कर पाऊँ, लेकिन जब मैं बारे गई तो मने भी लगी कि मैं मने सिर्फ मारवाड़ी आवे, हिंदी भी को नहीं आवे, मैं लोगों की कर बात करूँ ला काफ़ी घबराहट, लेकिन बारे निकलिया, धीरे धीरे हिंदी भी सीखिया, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी सीखिया। और रही बात भाषा की,
तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि हमें भाषा आती है या नहीं आती है। जब मैं जर्मनी में थी तो मेरे साथ में एक कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि मेरा बैग रह गया ट्रेन में, और वो बैग मैं जब स्टेशन पे देखा तो कोई स्टेशन पे था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे सारे मशीनों से काम होता है। तो एक कोई मिला तो उन्होंने बोला कि आप सेंट्रल पे जाइए और वहाँ पे जाके बताइए। तो वहाँ पे गई और मेरे साथ में ट्रांसलेटर थी, तो वो इंग्लिश में बात कर रही है, वो इंग्लिश में बात करने के लिए तैयार नहीं है, आगे वाले अपनी जर्मन भाषा में बात कर रहे हैं। तो मैंने उनको हिंदी में बोला कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है और मेरा बैग छूट गया। तो वो दौड़ के एक इंग्लिश बोलने वाले को लेके आया और फिर आधे घंटे में मुझे बैग ला के दिया। तो उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि भाषा बॉन्डिंग नहीं है, अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो सामने वाले को भी तो हिंदी नहीं आती है, हम अपनी भाषा पे गर्व कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखो कतरी बढ़िया बात बताया, क्योंकि भाषा ने लेर अक्सर आपा परेशान रचा, आपा जिया कई युवा एक्सपोर्ट भी कर पहुंचावी छी, विदेशा में जा पहुंचावी छी, लेकिन बाकी सबसे बड़ो डर हो रहे छे कि मन है भाषा को नावे। और एक बहुत बड़ा उदाहरण छी जो इन बिल्कुल गाँव में, एक छोटा सा गाँव सो आ जो मारवाड़ी बोली छी, जन कम्फर्टोड़ा छी, वे हार्वर्ड जियन की यूनिवर्सिटी में जा और लेक्चर दिया या, और इंडिया की लोकल यूनिवर्सिटी माने पीएचडी की डिग्री दे रही है, जो आपने इंडिया की सबसे बड़ी पढ़ाई आप अभी तक मान सका सा। तो मतलब था ना पीएचडी मिली और थे जब रूमा देवी सु डॉक्टर रूमा देवी बन गा, तो मतलब कसोक लागो सबने। नहीं, सब लोग पूछे कि डॉक्टर क्या लग गया, मैं के पीएचडी कर ली, मैं के पीएचडी करी तो को नहीं, पर पीएचडी री मान्यता उपाधि है मिली है। तो ये वास्ते कि एक हर कोई ने अच्छो काम करना चाहिए, अपने आप डिग्रियों मिलती रहला, सारी चीज़ें होती रहला, अवार्ड भी मिलते रहला, तो भी वास्ते अपन ने मेहनत करनी है, अच्छो काम करना है। अपन ने अवार्ड हारू या पीएचडी हारू काम नहीं करना, अपने अपनी मेहनत हमेशा जारी रखनी है, तो ये चीज़ों तो अपने आप मिलती रहला। और हाथे जकी बहनोंगे घबराहट है कि मैं घर बैठी हूँ, मैं की नहीं कर पाऊँ, बोन मैं और कहना चाहूँ, आप बिल्कुल घबराए नहीं, घर बैठूड़ा जटे भी बैठा हो, अपने पहनावे में और भी कहीं भी काम है वो घरों शुरुआत कर सको, और बाकी एग्जीबिशन के थ्रू अपने जगह प्रोडक्ट है बोने सेल कर सको। और आजकल अपने पास फोन है, घर में पढ़े लिखे बच्चा है, बोंगी मदद हूँ, अभी घरे बैठा भी काम कर सको, फोन में वेबसाइट है जाके डाउनलोड कर लो, और अपने जगह भी अभी प्रोडक्ट बनाओ, चाहे खाद्य सामग्री हो या पहनने वास्ते कपड़ा हो या खिलौना हो, तो बोंगो अच्छा फोटो खींच पर वेबसाइट माते अपलोड करो और घरे बैठा अपना रोजगार पाओ। जी अभी थे राजस्थानी वेशभूषा की बात करें तो मैं था ने जत्री भी सोशल मीडिया पर देखा जा तो यही वेशभूषा में देखा जा, जत्ते राष्ट्रपति भवन में गया जा, जद भी यही वेशभूषा में जा, जत्ते मतलब केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में, जब अमिताभ बच्चन के सामान बैठा जा होड़ सीट पर, जब भी ई ड्रेस में था, तो मतलब ई ड्रेस सु था ने कतरो गर्व से, मतलब राजस्थान का बारे में दूसरा लोग का ही सो चीजें। देखिए, जो हमारा पहनावा है उस पर हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं इंडिया से बाहर होती हूँ तो लोग बोलते हैं कि आप इंडिया से, मुझे मेरा परिचय नहीं देना पड़ता है, वो लोग बोलते हैं कि आप इंडिया से। जब मैं राजस्थान से बाहर होती हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि आप राजस्थान से। और जब मैं मेरी बहनों के बीच में बैठती हूँ तो उनको ये नहीं लगता कि रूमा जी बहुत बड़े इंसान है, वो ये सोचते हैं कि हमारे में से ही है, हम जैसे कपड़े पहनते हैं तो रूमा जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो सबका कॉन्फिडेंस भी बना रहता है और हमारी संस्कृति है वो भी जीवित रह रही है, उसका भी प्रचार प्रसार हो रहा है, और हमारी राजस्थानी ड्रेस पे हमें गर्व होना चाहिए। क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया जिस तरीके से कि बाहर के लोग आके अपनी संस्कृति को नहीं बचाएंगे, ये काम हमको ही करना है और हम कर भी रहे हैं। अच्छा, जब थे केबीसी में हॉट सीट पर अमिताभ जी का सामान बैठा तो था डर को लगे होगे। देखो साहब, अभी एक नई कहानी है क्योंकि मारे तो घर में टीवी ही को नहीं, ना लाइट ही, और बिन टाइम ज़्यादा जानकारी भी नहीं। जब मारे कने केबीसी फोन आयो कि मैं के सोनी चैनल बोलो और थाने इनवाइट करो केबीसी में, मैं क्यों, मैं तो नहीं पढ़ी लिखी हूँ, बट ये तो क्वेश्चन आंसर हुए, मन क्यों बुलाओ, मैं कि जरूर फेक कॉल वाला। तो दूसरे दिन और कॉल आयो कि नहीं, मैं सोनी चैनल में बोला हूँ और जो का अच्छा काम करे बने में फ्राइडे जो को हमारे स्पेशल शो हुए बिनमो इनवाइट करो और करम वे अवार्डो बने सम्मानित करो ला। तो मैं क्यों मेल भेजो, फिर उन मेल आयो, फिर उनकी टीम आई और पाँच दिन अटे शूटिंग चली, बिंग बाद में मैंने बॉम्बे इनवाइट करिया और एक दिन पूरा अमिताभ बच्चन जी के हाथे बातों करने रो मौको मिलियो, और बटे बैठन बिल्कुल और नहीं लागियो कि मैं इतना बड़े आदमी रे हाथे बैठा हूँ, क्योंकि वे बहुत ही सहजता से बात करते हैं अमिताभ बच्चन जी, और उनके साथ में उनके बातों का नॉलेज लेके भी हमें बहुत
अच्छा लगा, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने हमारे साथ में शेयर की थी, और जो केबीसी का एपिसोड था आज भी लोगों के दिमाग में है, जहाँ पे भी जाती हूँ कि बोलते हैं कि आप केबीसी में हमने आपको देखा था। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना लोगों का सपना होता है, लेकिन हमने हमारी जो बहनें हैं उनको भी मौका मिला वहाँ पर जाने के लिए, और बहुत अच्छा लगा कि वहाँ तक हम पहुँचे और लोगों के सामने जो हमारा काम था वो भी हमने लोगों तक पहुँचाया। जी रूमा देवी जी थे वो काम, तो मतलब कपड़ाड़ो काम तो खूब कर रहे हो, देश दुनिया में इन्हें फैलाया छो और बहुत अच्छो काम से। आजकल तो सोशल काम भी खूब कर रहे छो, अभी बाड़मेर में मैं सुना कि एक तो खेल स्टेडियम भी बना रहे छो, बीकावर हम बताओ। देखिए मेरा सपना था कि मैं मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, तो मेरे तो एक बार आठवीं में मैंने टूर्नामेंट जाने रो मौको मिलियो, लेकिन बीगे बाद में ना स्कूल जा पाई और ना खेल में। जब मैं ट्राइफेड की गुडविल एम्बेसडर थी और उस टाइम मैरी कॉम ब्रांड एम्बेसडर थी, जब मैरी कॉम के बारे में मुझे पता चला कि ये तीन बच्चों की माँ है, उसके बावजूद भारत के लिए कितने गोल्ड मेडल लेके आई है बॉक्सिंग में, तो हमारे अटे जगह राजस्थानी बच्चियाँ हैं मोरे माँ तो बहुत टैलेंट है, लेकिन ऐडा संसाधन नहीं है जगह के माध्यम उबे तैयारी करन आगे जा सके। तो मैं बिन देनी होश लियो मैं कि मन बाड़मेर में एडो काम करना है जो बच्चों वास्ते स्पोर्ट्स में काम आवे। 2 साल मारो मंथन चलियो, बाद में मारो जो स्टेडियम रो पूरो नक्शो तैयार हुए, और वो स्टेडियम है पूरो इंडोर है क्योंकि बच्चों ने इजाजत नहीं हुए कि वे जा पर खेल सके छुट्टी होने के बाद में, तो वो इंडोर स्टेडियम रहला तो बच्चों वास्ते बिल्कुल सुरक्षित रहला, और बच्चों जब चाहे चाहे बारिश को मौसम हो, सर्दियों रहो, गर्मियों रहो, वे हर समय बट खेल सके। और मेरो कॉम अब प्रोग्रेस में है, जद भी पूरा होला तो जरूर मारे टरी बच्चों ने बेनिफिट मिलेला और वे ओलंपिक तक जा पावेला। अच्छा शिक्षा का बारे में भी थे, महिला के लिए काम कर रहे तो वो भी कौन कौन सी योजना थी? देखो हमारी 3 साल पहला रूमा देवी सुगुणा देवी अक्षरा योजना लॉन्च हुई, क्योंकि हमारी स्कूल 8वीं में छूट गई, मैं आगे नहीं पढ़ाई कर पाई, लेकिन आज भी बच्चों की स्कूल छूट जे चाहे वो आर्थिक रूप कमजोर परिवार से आती है या स्कूल दूर होने के कारण, तो उनके लिए हमने ये योजना लॉन्च की अक्षरा छात्रवृत्ति, जिसके माध्यम से हम बच्चों को सालाना 20 लाख रुपये छात्रवृत्ति के रूप में देते हैं, 25 से 75 हज़ार रुपये पर बच्चे को, और जिसके माध्यम से वो अपनी पढ़ाई है वो जारी रख सके। एक बेटी बचाओ पे भी काम कर रही हूँ, जबकि रक्षा योजना के नामों में 3 साल पहले लॉन्च करी, बिंगे माँ मैं क्या करो कि एक गांवरी एक बेटी ने ले आऊँ, बिने ब्रांड एम्बेसडर बनाओ और 20,000 रुपये री FD करवान सुकन्या समृद्धि योजना जोड़, और बिने जद बा 20 साल रही वाला तो बिने किंगे कनो पे लेने की जरूरत नहीं है, तब तक बिंग खाते में खुद का पे वाला और बा आपकी पढ़ाई है जबकि जारी रख सके। अच्छा था को जी हमें यूट्यूब चैनल देखा था बी पर, मतलब किन्ते एक भजन मंडली बैठी रहे और थे भजन गाओ छो, तो भजन आपको कतरो शौक से था न? देखो भजनों का शौक भी है और भजनों ने बचाउन रो काम भी करो, जैसे मैं महिलाओं के साथ में बैठन समूह में हरजस भी गायन करो, भजन जो का वीणा माते वाणी गायन है वे भजन भी करो। जब भी कौम थकावट हुए और ज़्यादा टेंशन में हुए और लोग अगर भजन हुन ले या हरजस गाने बैठ जाए तो वे एकदम उनको दिमाग है जो को फ्रेश हो जाए, तो मैं तो हैंगों ने कहूँ कि आप उन्हें जब भी मौको मिले आप भजन है या हरजस है अपने जो कि ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक है ये सुनोला तो अपना दिमाग है वो बिल्कुल फ्रेश रहेला, और हमारा शौक भी है और लोगों ने सिखाण रो काम भी करो और इन्हें जीवित रखन रो भी काम करें। अच्छा थे अब अतरा फेमस भी होगा, अतरो काम भी कर रहे हो, तो अब आगे को प्लान कहीं से महिलाओं ने कहीं संदेश दे पहुँचाओ जो महिलाओं ने? मैं वही संदेश दे कि भाई आप बिल्कुल फोन देकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, फोन अपने कने है तो वो अपने सुविधा वास्ते है, और बिंग माध्यम आप कई काम कर सको हो, अगर आप वीडियो देखो ही हो तो ऐडा लोगों रा देखो कि भी अपने आगे प्रेरणा ले पर आगे की करना चाहो तो वो आप कर सको, तो घर बैठा रोजगार आप ले सको, और बिल्कुल नहीं घबराना कि भी मैं कटे बैठा हूँ की करो और जो तुम अपने करियर की शुरुआत कर सको, और महिलाओं ने और भी डरे हुए कि महिला ही महिला को महिला की टांग खिंचाई करती है या आगे नहीं बढ़ने देती है, तो बिल्कुल आप ऐसा ना सोचें क्योंकि समय बदल गया है, महिलाएं चाहती है कि हमारी बहनें भी आगे बढ़े, तो मैं हमेशा महिलाओं को बोलती हूँ कि महिला महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े, हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने, अगर खुद पर विश्वास है तो खड़े रहे अड़े रहे। देखो बहुत बढ़िया बात बताया रूमा देवी जी, तो ऐसा बाड़मेर सु रूमा देवी जी जो नारी शक्ति को अपने आप में बहुत बड़ो उदाहरण से, मन उम्मीद से कि इंटरव्यू सुते बहुत कुछ सीखोला
और था का जीवन में भी अपना होला। और वीडियो था का शौक लागे हो माने कमेंट्स कर जरूर बता दियो। अगर चोखो लागे हुआ है तो इन्हें लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो देखता रहो राजू का सफरनामा। राम राम सा।